हाई कैंसर एंड वेलकम टू फ्लोर रीडर आव यू गाइज आर डूइंग कैंसर थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीनस अलॉट कैंसर मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मैं व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करो हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग देखते हैं कैंसर कि आपका मई मंथ कैसा रहता है पहले हम देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ओके लेट्स सी वाओ यू गॉट द कैल्सिफिकेशन कैल्सिनेचियो कार्ड एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका जो लाइफ के टूवर्ड्स

आपके अपनी लव लाइफ के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है अगर आप सिंगल हो कैंसर तो आपका मे मंथ में दिख रहा है कि आपका डिजायर टू हैव हाँ अ पार्टनर डिजायर टू हैव हाँ अ लव वन वो बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है जिस वजह से मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे काफी बर्ड्स है तो आप एक्सप्लोर करने वाले हो अपने ऑप्शन मे बी आप डेटिंग ऐप ज्वाइन करोगे मे बी आप और फ्रेंड्स से मिलोगे या लोगों से मिलोगे जिससे आपको आप अपना पार्टनर ढूंढते हुए दिख रहा है जो लोग सिंगल लोग हैं एंड जो लोग एक रिलेशनशिप में आपका अपने पार्टनर के टुवर्ड्स प्यार लव पैशन वो बढ़ते हुए दिख रहा है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कैंसर कुछ एंगर इश्यूज भी uh, आ सकते हैं मई मंथ में सो काइंडली टेक केयर ऑफ दैट एंड मुझे यही दिख रहा है ओवरऑल uh, की एकदम से मुझे ना एक एक बहुत स्ट्रांग चांनल मैसेज आ रहा है कैंसर कि ठंडी चीजें खाओ खाओ क्योंकि गर्मी आ रही तो कहीं ना कहीं आईम सीट इज गर्मी से आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो दिस इज असिफिक चैनल मैसेज आई एम गेटिंग तो ठंडी चीजें खाओ जैसे शुगर केन जूस हो गया खीरा हो गया दही हो गया या फिर या फिर जो मटके का पानी होता है ठंडा पानी वो पिया जो ठंडी चीजें होती वॉटर मेलन सबसे सबसे अच्छा वाटर मेलन होता है तो वो खाओ ठंडा ऐसी चीजें खाओ आई एम प्रमोटिंग हेल्दी चीज आई एम नॉट से आइसक्रीम और ये सब ठीक है तो ठंडा ठंडे फ्रूट्स ऐसी चीजें खाओ जिससे आपकी ना बॉडी एंड माइंड काम डाउन हो वो आपके लिए ना काफी बेनिफिशियल रहेगा मे मंथ में सर्वाइव करने के लिए इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसे ही एक चैनल मैसेज आया तो इसलिए मैंने आपको ये कन्वे कर दिया सो दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कैंसर ओके okay. आपके लिए देखिए आपके लिए अब एनर्जी आई है फ्रस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे वही मैंने कहा कि आपका शायद देखो एंगर इश्यूज बहुत अप होते हुए दिख रहा है कैंसर और मुझे यही दिख रहा है कि शायद काम में अगर आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके मुताबिक नहीं आएगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे फ्यूरियस फील करोगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है आपको टिप दिया है कि आपको ठंडी तासीर कहते हैं राइट आई हैव नो तासीर है या ठंडे जो आपके बॉडी को काम डाउन करे कूल cool डाउन करे वो खाना खाइए उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके अगर आप जॉब करते तो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉय के साथ आपका रिलेशनशिप उतना ठीक नहीं दिख रहा है ऑल्सो वट आई एम सींग इज दैट यू हैड सर्टन यू हैड सर्टन एक्सपेक्टेशन इन द मंथ ऑफ मे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी होते हुए नहीं दिख रही जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे बट नॉट टू वरी आपको काम डाउन रखना है और ऑल्सो कहीं ना कहीं ऑरेंज एलिमेंट है दैट आपका स्पिरिचुअलिटी में रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट uh, बढ़ते हुए दिख रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कमिंग फॉर यू वॉटरमेलन खाओ बेस्ट होगा आपके लिए ठीक <laughs> है क्योंकि वाटरमेलन रेड ऑरेंज तो कहीं ना कहीं वाटरमेलन खाइए ऑरेंज जूस पीजिए जूसेस पीजिए तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा इस मंथ में सरवाइव करने के लिए लेट्स चेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंसेस्टर्स। जनरल रीडिंग फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ मे ट्वेंटी लेट्स कट द डेक ओके यू गॉट द हैंड मैन एट ऑफ सोड्स एंड यू गॉट द मून

आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है लाइफ के कुछ अलग ही अलग ही कुछ हो सकता है सो आई एम दैट कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट विल कम इन द मंथ ऑफ जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी कुछ ऐसी चीजें ऐसी आते हुए दिख रही हैं मे, uh, मंथ में आपके लिए कैंसर कि जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं वो आपके अगेंस्ट एकदम से हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि अरे ये तो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड था मेरा इतना अच्छा वेल विशर था ये मेरे अगेंस्ट क्यों हो गया तो कहीं ना कहीं ना नेगेटिव फोर्सेस नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है मे मंथ में बट नॉट नॉट वरी कैंसर में आपको एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दूंगी आप इन सब जो भी सिचुएशन आएंगी ना जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा उस सिचुएशन से आप बहुत अच्छे से निकलोगे कहीं ना कहीं बस मैं आपको ये गाइड करूंगी कि आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करिए अपने अंदर की आवाज पे बिलीव करिए जो आपका अंतर जो बोल रहा है उस पर हमेशा विश्वास करिए उसके विश्वास के दम पे आप अगर फैसला करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा ये मंथ में और ऑल्सो कहीं ना कहीं आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि आपको हेड एक माइग्रेन शायद आई साइट इशूज हो सकते हैं तो अगर बहुत टाइम से वन मोर एन चैनल मैसेज आई एम गेटिंग कि अगर बहुत टाइम से आपका हेड एक माइग्रेन हो रहा था प्लीज अपनी आई साइट चेक कराओ बहुत लोग के चश्मे लगने वाले ये एकदम ना बहुत स्पेसिफाइड एम स्पेसिफाइड चैनल्ड मैसेज मुझे आ रहा है बहुत लोग का ना चश्मा लगने वाला है पावर जो चश्मा होता है और ठीक है रहा, आज के टाइम पे सबको स्पेक्ट्स लगाने चाहिए स्पेशली द कंप्यूटर वन सब स्क्रीन देखते हैं तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये गाइडेंस आ रही है ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि प्लीज अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा इस मंथ में आई एम दैट कि आपको छोटी मोटी चो, चोटें लग सकती हैं मे बी अगर आप कुछ uh, सब्जियां काट रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या कुछ मुझे चोटें लगते हुए दिख रही हैं। थोड़ा केयरफुल रहिएगा मे मंथ में कैंसर ऑल्सो कहीं ना कहीं विद ऑफ सोज एनर्जी आई एम सीइंग एन एनर्जी ऑफ हम्म अगेन ऑरेंज एलिमेंट बहुत स्ट्रॉग है इसमें कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप लाइफ में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है बहुत टाइम से यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड यू आर गेटिंग फ्यूरियस तो कहीं ना कहीं कही आपके एंजल्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा सबर और रखना है थोड़ा सा पेशेंस और रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जून ऑनवर्ड से आपका जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपका सक्सेस रेट काफी बढ़ते हुए दिख रहा है सी व्हाट आई एम सीइंग इन दिस ओवरऑल एनर्जी इज दैट लाइफ लाइफ में तकलीफे में तकलीफें हैं कैंसर आपकी काफी प्रॉब्लम्स जो जीने का वो कम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द कैल्सिफिकेशन एनर्जी सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है भले ही कितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो भले ही भले ही लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही आपके मन मुताबिक नहीं चल रही आप अपना जीवन जीने का जो जज्बा है वो नहीं छोड़ोगे मैं मैं ना शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल सकती हूं। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे आप इंग्लिश में ज्यादा बात करते हो मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करती रहूंगी बट आई एम सींग इज दैट कि कैंसर अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो आपको लग रहा है कि मैं अकेले फील कर रहा हूँ आप अपने इमोशंस अपना जो भी फीलिंग्स है अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए आपके आई फील दैट कैंसर आपकी लाइफ में काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको इमोशनली काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं तो उनसे आप बातचीत करिए उनसे मिलिए उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और एल्स अगर आपको आपके लाइफ में वैसे फ्रेंड्स नहीं विच इज कम्प्लीटली ओके कोई बात नहीं तो आप किसी काउंसलर के पास जाइए तो uh, करते प्लीज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए तो जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी बॉडी से रिलीज आउट होगी रिलीज योर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना कि जब एक पॉजिटिव थॉट होता है वो पॉजिटिव थॉट चेन बनता है नेगेटिव थॉट का नेगेटिव

कोशिश करिये, कोशिश करिए, करिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, आप परेशान हैं अपनी लाइफ में ऑल्सो हैंग मैन की एनर्जी जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही जो स्टूडेंट्स अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आप किसी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी जो इना नॉलेज है इना विजडम है वो बहुत बढ़ते हुए दिख रही है डेफिनेटली फोकस लेवल आप लोग का बढ़ते हुए दिख रहा है वो द हैंग एनर्जी कहीं ना कहीं कैंसर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका ना सोच जो सोच थी बहुत टाइम से आपकी सोच बदलते हुए दिख रही है आपकी जो थिंकिंग है वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग हो रही प्रोग्रेसिव का मतलब होता है हिंदी में कि अच्छी सोच बड़ी सोच करना जैसे शायद पहले आप सोचते हो, हो गए कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए जस्ट लेम एग्जाम्पल नाउ योर लाइक नहीं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए आगे बढ़ाना चाहिए प्रोग्रेसिव माइंडसेट आपका होते हुए दिख रहा है कहीं कही ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत बहुत लोग ये एक एक है सेकेंडली कुछ कैंसर्स के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत लेजी हो रहे हो काम नहीं करना चाहते हो मेहनत नहीं करना चाहते हो तो अगर ये एटीट्यूड है तो फिर परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना जो लोग मेहनत कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं जो डेडिकेटेड है, जो पैशनेट है उनके लिए तो जून मंथ से अच्छा रस जो लोग आलस की तरह आलसियों की तरह पड़े हुए हैं आपको लिए आपके लिए बर्बादी तय है लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंसेस अगर मैं फाइनेंसेस की बात करू तो मुझे

और कहीं ना कहीं कैंसर मैं आपको ये बोलूंगी कि हेल्प लीजिए अकेले मत रहिए अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं यू हैव पीपल अराउंड प्लीज उनसे हेल्प लीजिए और इमोशंस शेयर करने से अपनी बातें शेयर करने से आप वीक नहीं होते हो अगर सामने वाला आपको वीक समझ रहा है तो वो सबसे बड़ा वीक पर्सन है ये भी मैं बोलना चाहती हूँ सो दिस वॉज योर जनरल रीडिंग कैंसर थोड़ी इंटेंस रही बट मंथ मे मंथ आपके लिए डेडिकेटेड और अच्छा रहेगा ओके दिस वाज योर जनरल रीडिंग कैंसर लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड्स हाय कैंसर एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग अगर आप किसी इंसान को लाइक like करते हो लव करते हो उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ देखते हैं मेन मंथ में कैसी रहती है आपकी लव लाइफ ओके किड्स ओके आपके आपके आप दोनों के साथ में बच्चे हो सकते हैं आप दो आपके बच्चे हो सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या प्रेग्नेंट हो सकते हो एंड सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव यू हु एंड डांस लेट्स चेक एंजल्स हायर बीम्स एंड एंसेस्टर्स लव लाइफ फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ मई 2024 ओके लेट्स कट द डेक करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन Who, Knight of Swords, intention of your person, Four of Cups, future action of your person, Six of Wands, oh goodness, your energy, understandable, and future of this whole connection, judgment, are you, papare, we judgment kyu Oh, Moon and Nine of Pentacles in reverse. Chalo, judgment ka clarify, I know why judgment has come up. जरूरत नहीं है बट फाइटिंग आया चेक कर लेते हैं प्लीज क्लरिफाई मी द जजमेंट प्लीज डोन्ट जम्परो प्लीज क्लैरिफाई मे द जजमेंट प्लीज इंजूस हा अंडरस्टैंडी

बाकी आपका पर्सन जिस भी साइन का है आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो कैंसर देखो बताओ क्या दिख रहा है मुझे पूरे कनेक्शन में मुझे ये दिख रहा है टेढ़ा ना हो यस मुझे पूरी एनर्जी में ये चीज दिख रही है विद द मून बॉटम ऑफ द डेक में कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि पहले आप लोगों का जो रिलेशनशिप था कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था बहुत रोमांस था बहुत केयर था बहुत सब कुछ एकदम क्स्ट लेवल था यू बोथी विचर धीरे करके इंटरेस्ट खत्म लगा of your See, देखो, एक तो मैं ये बोलूंगी करेंट एनर्जी में कहीं ना कहीं इसका पर्सन ये, ये, ये इंप्रेसिव नहीं होते ये खुशी नहीं होते किसी से भी कहीं ना कहीं देखो दे हैव अ फिजिकल फिजिकल यू नेक्स्ट लेवल है बट अगर बात करी जाए क्या ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते द आंसर इज नो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनकी जो एक्सपेक्टेशन हैं वो आप मीट नहीं कर पा रहे हो नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग यू बिकॉज आप एकदम परफेक्ट एनर्जी में हो कैंसर so कहीं ना कहीं इस पर्सन की करेंट एनर्जी में यही दिख रहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल है इनकी एकदम ऐसी अनरियलिस्टिक है कि कोई पूरा नहीं कर सकता है। चलो एक बात में मेरे हिसाब से इस ये पर्सन हाई बहुत ही हाई डिमांडिंग बहुत हाई डिमांड एकदम हाई स्टैंडर्ड हाई डिमांड वैसा किस्म का पर्सन है ये सो so, मेरे हिसाब से इनिशियली तो आपने बेस्ट दिया आपने इनको बहुत इंप्रेस किया दे हैप्पी विथ यू बट क्या हो रहा है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो कैंसर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो बट ये इंसान खुश ही नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल कि आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है करेंट एनर्जीज में कि आपसे देव अ लॉट ऑफ फ्रस्टेशन अगेंस्ट यू बहुत चीजें हैं बहुत इमोशंस हैं जो ये ना भड़ास ये कुछ तो भड़ास निकालना चाहते हैं आपके ऊपर अगर एंड आपको बहुत टाइम से फील हो रहा है ना कैंसर कि ये कुछ छुपा रहे हैं या कोई भड़ास निकालना चाहते हैं क्या ये गुस्सा है नाराज है अगर एक शहर में रहते हो एक जगह एक शहर में एक गांव में रहते हो तो प्लीज मिलिए बाहर मिलिए बैठिए एक टेबल पे एक चेयर पे बैठिए और बात करिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जो कि मुझे नहीं दिख रहा बट इफ इट्स अ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वीडियो कॉल पे बात करिए मैं कॉल पे भी कॉल और टेक्स्ट पे तो बात मत करिए एंड आस्क दिस पर्सन इशू क्या है प्रॉब्लम क्या है डिस्कस करते हैं करंट एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं और फ्रस्ट्रेशन पता हूँ क्यों है? आपने कुछ नहीं किया कैंसर, ये रीडिंग आपके फेवर में हो रही आपकी है आपकी एनर्जी परफेक्ट है इट्स बिकॉज इनके माइंड में इनके दिमाग में बहुत uh, खुफिया चीजें चलते मेरे हिसाब से ये पर्सन अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है इस पर्सन के पास कोई काम धंधा नहीं है जिस वजह से ये इतनी चीजें इतना दिमाग लगाते रहते इतना दिमाग चलाते रहते जिस वजह से ये डिसअपॉइंटेड है जिस वजह से ये लड़ना चाहते है ये लड़ना चाहते है और ये आप हो ये आपको ये आपके ऊपर ना अटैक करना चाहता है करेंट एनर्जी में दे वॉन्ट टू ब्लेम यू दे वॉन्ट टू ब्लेम यू फॉर एवरीथिंग और जो रीजन और जब ये पता हूँ जब आप दोनों ये बात करोगे ना तो आपको लगेगा क्या स्टूपिड पर्सन है ये क्या बेवकूफ पर्सन है ये ये क्या बोल रहा है ये क्या बकवास कर रहा है ये आपका एटीट्यूड होगा क्योंकि इनके जो रीजन होंगे ना वो बहुत सुबड़ सुबड़ होने वाले हैं करेंट द इंटेंशन पार्ट क्या बोलूं ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं आपसे इंटेंशन में वो ही डिसअपॉइंटेड है इंटेंशन में कैंसर ने मेरे लिए क्या किया क्या लोगों की तो लव लाइफ ऐसी ऐसी होती है सोशल मीडिया में तो ऐसा ऐसा होता है वैसा वैसा होता है बट ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं ये तो कुछ वो ही नहीं कर रहे डिसअपॉइंटेड है इंटेंशन में भी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है देर इंटेंशन पता इनका इंटेंशन क्या है इनका इंटेंशन है कि आप माफी मांगो आप इनके सामने बिच जाओ डोरमैट की तरह और ये आपके ऊपर बदतमीजी करना चाहते हैं ये बेफालतू लड़ाई करना चाहते हैं है, जिसका कोई मतलब नहीं है लाइक जेन्युइनली आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट इंटेंशंस टुवर्ड्स यू नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्चुअली इनका ईगो ये, ये कुछ है नहीं ये खुद कुछ नहीं है खुद की कोई दम नहीं है खुद का कोई वो नहीं है और इनकी जो जो मेंटालिटी है जो अकड़ है वो नेक्स्ट लेवल है कोई ना जब आपके पास लाइफ में जब ज्यादा आता है ना तो ह्यूमिलिटी भी आनी चाहिए ग्राउंड जमीन पे टिक के इंसान को रहना चाहिए जमीन पे या आसमान पे घूमते हैं ये नेक्स्ट लेवल है इस पर्सन का इनका जो फ्यूचर एक्शन है आपकी तरफ मुझे क्या दिख रहा है कि बातचीत हो जाएगी सब हो जाएगी विल गेट सॉर्टेड आउट बट ये फिर से आकर दिखाएंगे फिर से मेरे हिसाब से इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन ये आपको घोष कर देंगे एक एक दो दो हफ्ते ब्लॉक कर देंगे एटीट्यूड दिखाएंगे येट फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा येट तुम अगर इतने ही दुखी हो तुम अगर इतने ही दुखी हो तो तुम छोड़ दो कैंसर को तुमसे छोड़ा भी नहीं जाएगा तुम्हें उसके साथ रहना भी है उस पर्सन के साथ तुम्हें बदतमीजी भी करनी है सी जहां पे अगर आप खुश नहीं हो तो ब्रेकअप करो मूव ऑन करो आई बिलीव इन दैट या तो रहना है तो अच्छे से रहो रिस्पेक्टफुली रहो हंड्रेड परसेंट दो वरना मत रहो दैट्स वॉट आई पर्सनली बिलीव इन एंड दैट्स आई प्रमोट इन दिस चैनल कि रहना है तो ठीक से रहो हंड्रेड परसेंट दो वरना जाओ लोगों की कमी नहीं है एवरी वन इज रिप्लेसेबल एवरी वन हैज ऑप्शन सो फ्यूचर एक्शन में मुझे यही दिख रहा है कि इनकी अकड़ नहीं कम होने वाली है ये इनका जो एटीट्यूड है वो ही चलता रहेगा दिस इज एटीट्यूड दिस इज ईगो और द इशू पता हूँ क्या है इनका इशू क्या है कि ये खुद से इंसान जब जो इंसान अपने आप को प्यार अपने आप से प्यार नहीं कर सकता है वो दूसरे को प्यार नहीं दे सकता है इनकी खुद के अंदर इनसिक्योरिटी इनकी खुद के अंदर दम नहीं लाइक ऐसे डी अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं इनके इनकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं है जिस वजह से ये अपनी इनसिक्योरिटीज अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहे हैं और वही फ्यूचर में भी दिख रहा है दिस इज कंटिन्यूइंग

मैं एक चीज बताऊं जो एनर्जी आ रही है ना मैं अगर आपकी जगह होती ना पर्सनली मैं नहीं झेलती मैं पर्सनली नहीं झेलती मैं इस पर्सन को कब का ब्लॉक कर दी होती और मैं सिंगल रहती बट आई एम सीइंग कैंसर इन योर एनर्जी कि आपके अंदर नेक्स्ट लेवल पेशेंस है तो लाइक like करो कमेंट करो यस आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंस यस हा जी मैम दीदी फ्लोरल कि हाँ मेरे अंदर बहुत सबर है लॉट ऑफ पेशेंस कहीं ना कहीं आपको ये है कि कैंसर की काम डाउन लेट सी लेट्स अभी देखते हैं अभी चलो थोड़ा वक्त देते हैं अभी चलो थोड़ा बात करते हैं आपका जो नेचर है ना आप एडजस्ट करना चाहते हो आप एडजस्ट करना चाहते हो आप अभी भी इस रिलेशनशिप में इस कनेक्शन में वर्कआउट करना चाहते हो यू आर लाइक की नहीं कोई बात नहीं आप जो इस पर्सन को ना बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब है कि आप इस पर्सन की भावनाएं इस पर्सन के इमोशन समझ के चीजें कर रहे हो ये आपसे बात नहीं करते आप कहते हैं, चलो कोई बात नहीं तुम्हें जब मन हो तब तुम बात करो आ, अच्छा तुम्हें लड़ना है अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से ना आप आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो और ये बहुत ही खराब बिहेव कर रहे हैं और मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर आपको फील होता है कि ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है इनसे बात करो बात करके वैसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर है नहीं बट बात करो सॉर्ट सॉर्ट इट आउट यू वांट टू सॉर्ट आउट दिस कनेक्शन यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन और कैंसर अगर आप अभी फ्रस्टेटेड हो रहे हो जो कि वैलिड है कि कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा ऐसी एनर्जी में थोड़ा पेशेंस लाओ मैं एक चीज बोलूंगी आप मैक्सिम हफ्ता और दे दो छह लिख लो राइट इट डाउन आई एम वेरी अगर सिक्स वीक्स के अंदर अंदर आप लोग का रिलेशनशिप ठीक नहीं होता तो मूव ऑन करना एंड अगर सिक्स वीक्स के अंदर अंदर ठीक हो जाता तो वेल एंड गुड गुड फॉर यू यू आर है आप बहुत आप बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रहे हैं सकारात्मक एनर्जी है आपकी और कहीं ना कहीं आप इतना पॉजिटिव हो आप इनके इतने टेंट्रम्स नॉनसेंस बिहेवियर झेल रहे हो जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहा है इस पर्सन को अपनी जो हैसियत है अपनी जो इनकी जो हैसियत है इनकी औकात इन्हें पता है इन्हें पता है कि मेरे जो ये टेंट्रम है मेरी जो ये बदतमीजी है वो कोई नहीं झेलेगा सिवाय कैंसर के लव एंड दैट इज अ रीजन देर नॉट इवन लिविंग यू क्या हो रहा है बदतमीजी करते हैं फिर ठीक होते हैं फिर नाराज होते हैं फिर बदतमीजी करते हैं फिर ठीक होते हैं ये पैटर्न चल रहा है नाउ द होल फ्यूचर ऑफ दिस दिस ऑफ रीडिंग लॉल फ्यूचर मतलब जजमेंट एनर्जी क्लैरिफाइड बाय द लवर्स एंड ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू इज ऑल्सो जजमेंट मुझे क्या दिख रहा है इस पूरे कनेक्शन में कि अभी यू आर नॉट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप कैंसर यू आर यू स्टिल हैव फेथ

एक दूसरे को क्लोजर दो रिस्पेक्टफुली दैट्स द वे क्योंकि एक चीज पता हूँ क्या दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में प्यार था आप दोनों के बीच में ये जो पूरा कनेक्शन है इट वॉज बिल्ड ऑन लव इट वॉज बिल्ड इन ऑन एसेंस ऑफ लव इट वॉज यू हैड लव कहीं ना कहीं विथ टाइम लोग बदलते हैं आप नहीं बदल बदलते बट ये पर्सन इतना बदला इतना ज्यादा इनकी थिंकिंग चेंज हुई इनका नेचर चेंज हुआ या इनकी असलियत सामने आई जिस वजह से इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है ब्रेक थ्रू एनर्जी दैट यू विल रियलाइज कैंसर की कहीं ना कहीं यू यू मेरा हो गया मैंने इतना इतना ज्यादा सबर किया इतना ज्यादा मैंने झेला अब मुझसे झेला नहीं जाएगा सो यू आई एम सीइंग यू विल एंड दिस कनेक्शन कैंसर और मैं कहीं ना कहीं यही बोलूंगी आपको कि अभी नहीं एंड करना है प्लीज लिसन टू मी अभी नहीं एंड करना है अभी के लिए मैं बोलूंगी यू जस्ट मोर सिक्स वीक्स के अंदर है पॉसिबल इज इज लाइक वेरी लेस चांसेस कि ये रिलेशनशिप ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा बट अगर छः हफ्ते के बाद भी नहीं है सुधरते तब आप एंड कर लीजिए जजमेंट की एनर्जी तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन और आप दोनों एक मतलब एक दूसरे को लेसन सिखाने आए कुछ तो बहुत बड़ा लाइफ का सबक सिखाने हो कि ये चीजें नहीं करनी है ये चीजें करनी है

जो रिस्पेक्ट जो केयर जो प्यार जो आप देते हो वो सेम आपको रिटर्न मिलेगा मैनिफेस्टेशन आपकी आपकी वर्क हो रही है लाइफ में लव होगा बट नॉट विद दिस पर्सन ये पर्सन ये पर्सन सही नहीं है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कुछ बहुत बड़ा सबक सिखाने आया है ये कुछ तो आप दोनों का को कोई कार्मिक अकाउंट होगा जिस वजह से ये ये इस जन्म में आपके साथ ये चीजें हो रही है रियलाइज योर वर्थ मेरे हिसाब से कैंसर नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है

सीरियसली कोई भी इशू आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोवल टावर वीडियो बाय